हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं दोबारा एक केस स्टडी लेके आया हूँ जो एचपी का है, जिसका बोर्ड का पार्ट नंबर है आप यहाँ पर LA-C701P। इसमें जैसे एडेप्टर लगाते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे पावर सप्लाई पे कि यहाँ पे एडेप्टर लगाते के साथ 137 mA का कंजप्शन होता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडेप्टर लगाते के साथ 137 mA का कंजप्शन ले रहा है और यहाँ पे देखिए LED जो होती है, ये वाला LED ग्लो भी नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पे LED ग्लो होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आखिर ये जो मदरबोर्ड है ये किस जगह पे प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिक्कत है, इस स्टेप बाय स्टेप हम आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप का कोई भी केस आएगा तो हम लोगों का जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उसी को फॉलो करेंगे। ये है आपका, ये इस पॉइंट को देखें, ये है CLR। तो हम लोग CLR पे सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, तो देखें CLR पे 20 वोल्ट मिल रहा है, CLR के ऊपर 20 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, जब CLR के ऊपर 20 वोल्ट मिले तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे LDO। LDO चेक करने का एक शॉर्टकट तरीका है यहाँ पे बैटरी कनेक्टर, कि बैटरी कनेक्टर के सेंटर वाले दो तीन पिन पे 3.3 वोल्ट आपको मिलने चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 3.3 वोल्ट किसी भी पिन पे नहीं मिल रहा है। जब यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3.3 वोल्ट जहाँ से जनरेट होता है उस जगह पे चेक करेंगे। ठीक है, तो 3.3 वोल्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये इसकी IC है। ये जो IC है, ये IC 3 वोल्ट और 5 वोल्ट LDO भी जनरेट करता है और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई भी जनरेट करता है। IC का नंबर है RT8243। तो इस IC का जो VCC पिन है पिन नंबर 11 और इसका ENLDO है पिन नंबर 12। चलिए आइए मैं इसको पहले स्कीमेटिक डायग्राम पे दिखा दूँ। पिन नंबर 11 है VIN और पिन नंबर 12 है ENLDO। ये दोनों आपको इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, ये जो है, ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये VCC का कैपेसिटर है, ये वाला PC45। ये जो कैपेसिटर है PC45, यही कैपेसिटर मदरबोर्ड में इस जगह पे है, यहाँ पे ये वाला। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है 20 वोल्ट, इस कैपेसिटर के ऊपर 20 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, अब पिन नंबर 12 के ऊपर हम लोगों को चाहिए ENLDO, कितना, जितना कि वोल्टेज डिवाइडर बताएगा। ठीक है, तो पिन नंबर 12 पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पिन नंबर 12, पिन नंबर 12 पे कितना है, 4.6 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें VCC भी आ रही है और ENLDO भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिन नंबर 11 पे आ रहा है VCC और पिन नंबर 12 पे ENLDO। जब ये आ जाएगा तो इसके बाद आपको मिलने चाहिए LDO 3 वोल्ट और LDO 5 वोल्ट के आउटपुट मिलना चाहिए, जो कि पिन नंबर है 14 और पिन नंबर 15। चलिए हम लोग चेक करते हैं पिन नंबर 14 के ऊपर, ये है पिन नंबर 14, ये है पिन नंबर 14। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं जनरेट, 0.8 वोल्ट जनरेट हो रहा है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए 3.3 वोल्ट। ठीक है, और पिन नंबर 15 है 3.3 वोल्ट और पिन नंबर 14 है 5 वोल्ट। तो पिन नंबर 14 का कैपेसिटर इस तरफ है, यहाँ पे ये वाला पिन नंबर 14 का कैपेसिटर है ये वाला, जो कि यहाँ पे आपका 1 वोल्ट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे 1 वोल्ट जनरेट होना है हो रहा है, जबकि होना चाहिए 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि इसका LDO नहीं बन रहा है और ये IC हीट हो रही है, LDO नहीं बन रहा है और IC हीट हो रही है। तो इसको हम लोग, इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर LDO नहीं बन रहा तो सबसे पहले जो हमारा वर्क है, हम लोग पावर कट ऑफ करने के बाद ये LDO का इम्पीडेंस चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डायोड वाले रेंज में सेट कर दिए, अब ये रेड वाले को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो कैपेसिटर है LDO वाला, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का इम्पीडेंस कितना आ रहा है, अब मल्टीमीटर में देखें कैपेसिटर का इम्पीडेंस आ रहा है 0.145 148, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये 3 वोल्ट वाला कैपेसिटर का है, मतलब ये इम्पीडेंस आप सही बोल सकते हैं क्योंकि ये बढ़ रहा है। ठीक है, और ये है, यहाँ पे देखिए ये है 5 वोल्ट वाला कैपेसिटर, तो इसका इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं।
इसका इम्पीडेंस कितना है? मल्टीमीटर में आप ध्यान से देखें कि इसका इम्पीडेंस है 006, यानी कि इस वाले पॉइंट का इम्पीडेंस खराब है। किसका? 5 वोल्ट का जो एलडीओ बन रहा है उसका इम्पीडेंस सही नहीं है, 5 वोल्ट वाले एलडीओ का इम्पीडेंस सही नहीं है और 3 वोल्ट वाले एलडीओ का इम्पीडेंस सही है। तो देखिए आप यहाँ पे, अगर ये देखिए पिन नंबर 14 पे है 5 वोल्ट एलडीओ, तो अभी हम लोग इसको सर्च करेंगे, सर्च करेंगे कि 5 वोल्ट एलडीओ कहाँ जा रहा है। तो जब मैंने सर्च किया तो ये 5 वोल्ट एलडीओ कहीं नहीं जा रहा है, मतलब ये यूज नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इम्पीडेंस वो सही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका इम्पीडेंस सही नहीं रहेगा तो इसके वजह से 3 वोल्ट एलडीओ भी नहीं बनेंगे। मैंने इस कैपेसिटर को हटा के देखा तो ये वाला कैपेसिटर सही था, फिर भी इसका इम्पीडेंस कम है। तो हमारे पास अब एक ऑप्शन बच जाते हैं, हो ना हो ये वाला आईसी खराब है इंटरनली, जिसके वजह से इम्पीडेंस लो हुआ पड़ा है। तो चलिए पहले इस आईसी को हटा के इसके बाद इम्पीडेंस चेक करेंगे कि आईसी के हटाने के बाद कितना इम्पीडेंस आता है। ठीक है, आईसी कोई भी आईसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसके ऊपर फ्लक्स लगाएंगे। ठीक है, फ्लक्स आप लोग हमेशा अच्छा वाला यूज करिएगा ताकि सर्किट और आपका सेहत दोनों बचा रहे। मैंने फाइनली इस आईसी को निकाल दिया। इस आईसी को निकालने के बाद देखेंगे कि ये जो एलडीओ वाली कैपेसिटर है जो 3.3 वोल्ट वाला, इसका इम्पीडेंस आप देखिए कितना हो गया, 465। जो इसका दूसरे वाला कैपेसिटर जिसका कम था उसका मैं दिखाता हूँ, इसका जो ये वाला जो कैपेसिटर था, ये वाला, इसका इम्पीडेंस कितना था, 0.0, लेकिन अब कितना है, अब कितना है, 587। आईसी की वजह से ये जो पिन है जो 5 वोल्ट का ये जो एलडीओ बन रहा है, ये आईसी इंटरनली खराब हो गया था जिसके वजह से ग्राउंड हो गया और उसका इफेक्ट पड़ रहा था कि आईसी भी हीट हो रहा था। तो चलिए अब हम लोग इस पे दूसरा आईसी लगा के इसके बाद देखते हैं इसका क्या स्टेटस होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आईसी को कि मैंने फाइनली इस आईसी को रिप्लेस कर दिया। अब आईसी को रिप्लेस करने के बाद दोबारा इस पे इम्पीडेंस चेक करेंगे कि पिन नंबर जो 15 है उसका इम्पीडेंस कितना है, 461। ठीक है, और इधर एक जो 5 वोल्ट की एलडीओ था जो पिन नंबर 14 है उसका इम्पीडेंस कितना है, 474। अब ये दोनों पिनों की इम्पीडेंस हाई हो गई है, जो पिन नंबर 14 और पिन नंबर 15 दोनों का इम्पीडेंस हाई हो गया है दूसरा आईसी चेंज करने के बाद। ठीक है, अब हम लोग इसमें पावर दे के देखते हैं कि अब क्या स्टेटस है, एलडीओ बना नहीं बना, क्या अपडेट्स है। तो चलिए मैं इसमें पावर लगा देता हूँ, पावर लगा दिया। देखिए मैंने पावर लगाने के बाद पहले कितना बनता था, पहले बनता था 130, लेकिन अब कितना बन रहा है, 003 004। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए लाइट भी ग्लो हो गया। लाइट ग्लो होने का मतलब है कि 100% एलडीओ बन गया, एलडीओ नहीं बनता तो लाइट ग्लो होता ही नहीं।